एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करेंगे जो द 100 मैंस का आज के दिन का मैच होगा, जो खेला जाएगा बर्मिंगम फोइनिक्स वर्सेस जो दूसरी टीम है यहाँ पर लंदन स्पिट के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और मुकाबला स्टार्ट होगा रात के 11 बजे। तो इस मुकाबले की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुकाबला स्टार्ट होगा रात में 11 बजे। एजबेस्टन बर्मिंगम में मुकाबला खेला जाएगा। विकेट जो है बैटर्स को हेल्प करता है और फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ पर मदद मिलती है। एवरेज स्कोर 130 से 150 के बीच में यहाँ पर बनता है। चार मुकाबले यहाँ पर हो चुके हैं इस सीज़न, दो जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, एक मैच चेज हुआ है, एक मैच यहाँ पर नो रिजल्ट रहा है। जो चार मुकाबले यहाँ पर हुए ना उसमें आप देखो, फर्स्ट इनिंग में फास्ट को 10 विकेट है, स्पिनर्स को 2 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 13 विकेट है, स्पिनर्स को 6 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़े से ज़्यादा विकेट मिले हैं। और ध्यान रखना, ये दोनों टीमों जो हैं टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट भी आज के दिन देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, बर्मिंगम फोइनिक्स की टीम की बात करो तो जो 6 मैचेस इनके हैं लास्ट के, उसमें से मात्र एक मुकाबला जीते हैं, चार मुकाबले हारे, एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। ओपन करेंगे विल समिथ और बेन डकेट। विल समिथ की बात करो तो देखो, यहाँ पर 21 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 6 हैं, 23 हैं और 15 हैं। तो हर मैच में लगभग इसको स्टार्ट मिले हैं लेकिन बड़ी पारियाँ नहीं हैं। हेड टू हेड में एक मैच में 1 रन है, जबकि वेन्यू पर 13 मैच में 401 रन, 36 का एवरेज है। तो अगर टीम पहले बैटिंग करती तो आप इन पर रिस्क ले सकते हो, बाकी अभी के लिए छोड़ के चलना। बेन डकेट हैं देखो, 34 हैं, 10 हैं, 25 हैं, 23 हैं, 27 हैं, 4 हैं, मतलब ज़्यादातर मैच में 20 प्लस इसने स्कोर किया है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 2 में 40-20 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, 18 में 426 रन, 30 का एवरेज है। फिर आएंगे यहाँ पर जेमिन स्मिथ, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेले, वेन्यू पर 2 मैच में 30 रन है। अब तक अगर आप देखो 13, 15, 11, 60, 2, 38 हैं, दो पारियाँ इसकी बहुत अच्छी आई हैं लास्ट के 3 मैचेस में। फिर आएंगे यहाँ से लियाम लिविंगस्टन, जो कि इस सीज़न उतने अच्छे टच में अब तक तो नहीं लगे हैं। हेड टू हेड में इनके नाम एक मैच में 19 रन, 0 विकेट है। वेन्यू पर इनके नाम 18 मैच में 303 रन, 3 विकेट है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो जो 5 मैच इन्होंने खेले हैं ना उसमें 20 बॉल डाले हैं, विकेट 1 हैं, बल्ले से यहाँ पर 27, 28, 3, 25, 9 हैं। तो उतना ज़बरदस्त सीज़न इनके नाम का नहीं रहा है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं ये भी। मोइन अली है, ये 10 से 15 बॉल हर मैच में डाल रहे हैं। लास्ट के जो 5 मैच इन्होंने खेले उसमें 3 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 1, 17, 33, 1 और 4 है, तो अच्छा रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में इनके नाम अगर आप देखो तो 2 मैच में 51, 1 विकेट है, जबकि अगर वेन्यू पर देखोगे तो 26 मैच में 740 रन, 26 विकेट है। तो मोइन अली का रिकॉर्ड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। क्रिस बेंजामिन है, देखो 3 मैच खेले, 1, 7 और 14 है। हेड टू हेड में इनके नाम अगर आप देखोगे तो 2 मैच में 24 रन है, वेन्यू पर 25 मैच में 453 रन है। बेनी होवेल है, लास्ट के 6 मैच में अगर आप देखोगे इनके नाम तो 7 विकेट है और बल्ले से यहाँ पर 9, 3, 1, 15, 7 है। हेड टू हेड में 2 मैच में 21 रन, 2 विकेट है, और अगर वेन्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 12 मैच में यहाँ पर 116 रन और 16 विकेट है। क्रिस वॉक्स हेड टू हेड में यहाँ पर नहीं खेले हैं, वेन्यू पर 41 मैच में 300 रन, 40 विकेट है, और अब तक 3 मुकाबले खेले उसमें 2 विकेट है। ज़्यादातर अपनी जो बॉलिंग है वो पावर प्ले में करवाते हैं, 4 और 16 नॉट आउट इन्होंने बल्ले से यहाँ पर किया हुआ है। फिर आएंगे यहाँ से एडम मिल्न, इनकी बात करूँ तो इनके नाम अगर आप देखोगे तो लास्ट के 6 मैच में यहाँ पर 6 विकेट हैं, बल्ले से यहाँ पर 13, 0, 6, 3, 1 हैं। हेड टू हेड में एक मैच में 2 विकेट हैं और वेन्यू पर इनके नाम 5 मैच में यहाँ पर 5 विकेट हैं। फिर आएंगे यहाँ से केन रिचर्डसन, इनके नाम अगर आप देखो तो लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर 6 विकेट हैं, हेड टू हेड में एक मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पर 5 मैच में 7 विकेट है। स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग करती है ना तो केन रिचर्डसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तनवीर सांगा सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि स्पिनर है, तो सेकंड इनिंग में हो सकता है इनको थोड़ी बहुत हेल्प मिले विकेट से। 2 मैच खेले हैं, 2 विकेट है। हेड टू हेड में एक मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पर मैच नहीं खेले। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिक करके चल रहा हूँ बेन डकेट, मैं रखूँगा लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, बेनी होवेल, एडम मिल और केन रिचर्डसन। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे क्रिस वॉक्स, एडम मिल, केन रिचर्डसन,
डेथ में यहाँ पर आएंगे केन रिचर्डसन, एडम मिल्न और क्रिस वॉक्स। सामने जो टीम है वो है लंदन स्पिरिट की टीम। लंदन स्पिरिट की टीम की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 6 में से 2 मैच जीते, 2 मैच नो रिजल्ट, 2 मैच हारे हैं। ओपन करेंगे जैक क्रॉली और उनके साथ में आएंगे एडम रॉसिंगटन। जैक क्रॉली की बात करूँ तो देखो पहले 2 मैच में तो बारिश की वजह से बैटिंग नहीं आई, उसके बाद में एक अच्छी पारी के लिए 30 की, उसके बाद में 19-12-2। दिक्कत क्या है, देखो जैक क्रॉली बहुत तगड़े प्लेयर है, दिक्कत क्या हो जाती है ये ना हर बॉल को मारने जाते हैं। भाई हर बॉल मारने जाओगे तो एक तो अच्छी बॉल बॉलर डाल ही देगा, वहाँ पर ही आउट हो जा रहे हैं। हेड टू हेड में इनके नाम 2 मैच में 84 रन 42 का एवरेज है, बढ़िया रिकॉर्ड है। और वेन्यू पर भी इनके नाम 3 मैच में 114 रन 38 का एवरेज है, तो रिकॉर्ड इनका काफ़ी बढ़िया है। एडम रॉसिंगटन हेड टू हेड में 1 मैच में 6 रन है, वेन्यू पर भी रिकॉर्ड उतना खास है नहीं, 10 मैच में 119 रन मात्र 11 का एवरेज है। और अब तक अगर आप देखो नो बैटिंग 1-61-53-2 है, 2 पारियां में 50 प्लस इन्होंने किया है। डेन लॉरेंस है, लास्ट के 6 मैच में 1 बड़ी पारी आई है इनकी 93 की, उसके अलावा अगर आप देखो 24-4-0 है। हेड टू हेड में 2 मैच में 16-0 विकेट है, वेन्यू पर इनके नाम 6 मैच में 131 रन 4 विकेट है। मैथ्यू वेड एक्स प्लेयर है यहाँ पर बर्मिंगम के, और वेन्यू पर 6 मैच में इनके नाम भी मात्र 46 रन है। और अगर आप इनका रिकॉर्ड देखो रिसेंटली तो नो बैटिंग 8-19-42-11 है। डायरली मिचल है, हेड टू हेड में कोई मुकाबला नहीं खेले, वेन्यू पर 2 मैच में 49-0 विकेट हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो 6 मैचेस इन्होंने खेले हैं ना उनमें इनको लगभग हर मैच में थोड़ी बहुत बॉलिंग मिली है, हालांकि विकेट सिर्फ 2 हैं। बल्ले से यहाँ पर 21 नो डाउट हैं, 4 हैं 34 से 15 है। तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनको बिल्कुल रख लो। रवि वोपारा को भी भाई हर मैच में बॉलिंग मिल रही है, लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 5, 25 नो डाउट हैं, इसके अलावा 6 हैं 24 नॉट आउट हैं, तो काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है इनका भी। फिर यहाँ पर देखो हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 2 मैच में 62 रन 0 विकेट हैं, और वेन्यू पर 7 मैच में 169 4 विकेट हैं। मैट क्रिचली हेड टू हेड में मैच नहीं खेले हैं, वेन्यू पर 7 मैच में 67 3 विकेट हैं। और यहाँ पर लास्ट के 6 मैच में अगर आप देखोगे तो 1 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 32-8-21 है, मतलब टीम ने इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। आप देखो 5 या 10 बॉल हर मैच में मिले हैं। लियाम डाउसन अच्छे बॉलर हैं, लास्ट के 6 मैच में इनके नाम 7 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करवाएंगे। हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू पर 10 मैच में 62 रन 7 विकेट है। जोर्डन थॉम्पसन है, 5 मैचेस खेले हैं उसमें इनके नाम 2 विकेट है पहले मैच में, उसके बाद में लगातार ये विकेटलेस गए हैं। हेड टू हेड में अगर बात करूँ इनके नाम तो 2 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पर अगर आप देखो इनके नाम तो यहाँ पर 3 मैच में 54 रन 1 विकेट है। नेथन एलिस आएंगे यहाँ पर, इनके नाम अगर आप देखोगे 6 मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पर 4 मैच में 7 विकेट है। डेनियल वोलार के नाम लास्ट के 6 मैच में 7 विकेट है, हेड टू हेड और वेन्यू पर उतना खास रिकॉर्ड इनका है नहीं, मतलब खेले ही नहीं है वहाँ पे। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से रखूँगा जैक क्रॉली पे मैं रिस्क लूँगा, मैं नीचे से रखूँगा डैली मिशेल, रवि बोपारा, लियाम डाउसन और नेथन एलिस। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे डेनियल वुराल, जोर्डन थॉम्पसन, डेथ में आएंगे नेथन एलिस, डैली मिशेल और लियाम डाउसन। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं डेमो टीम, नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देख लेते हैं अभी डेमो टीम। अभी के लिए मैंने डेमो टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है आप देखो एडम रॉसिंगटन को, बैटिंग सेक्शन से रखा है लियाम लिविंगस्टन, बेन डकेट, इनके अलावा जैक क्रॉली, रवि बोपारा। और बात करूँ यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ से रखा है लियाम डाउसन, मोइन अली, बेनी होवल। और बॉलिंग सेक्शन से एडम मिल, नेथन एलिस और केन रिचर्डसन। कैप्टन मोइन अली वॉइस कैप्टन लियाम लिविंगस्टन है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर दिया हुआ है। धन्यवाद।